नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ बिहार के सोनू के बारे में, जो कि काफ़ी वायरल होता नज़र आ रहा है। आखिर कौन है ये सोनू, कहाँ से आया ये सोनू, और नीतीश कुमार के साथ इनकी क्या बातें हुई जो इतनी वायरल हो गई। नालंदा का सोनू 11 साल का बच्चा 30 छात्रों को देता है ट्यूशन और हर माह कमाता है 3,000 रुपये। आखिर इतनी सी उम्र में इतना अच्छा बोलने वाला सोनू कहाँ से आया। नालंदा बॉय सोनू कुमार नालंदा जिले के नीमाकोल के रहने वाले रणविजय यादव का 11 वर्षीय पुत्र सोनू आजकल सुर्खियों में है। जहाँ देखिए सोनू की ही बातें चल रही है, आखिर इतना बोलने का जज्बा कहाँ से आया उसे, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, जो कि आजकल के बच्चों को कमी देखने को मिलती है। बिहार के नालंदा जिले के नीमाकोल के रहने वाले रणविजय यादव का 11 वर्षीय पुत्र सोनू आजकल बहुत सुर्खियों में। सोनू का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पढ़ाई करने के लिए मदद की गुहार लगाने वाला वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे सोनू की पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी को इससे भी समझा जा सकता है। और क्या है कि गाँव में ही वो अपने हम उम्र के बच्चों को पढ़ाता भी है। अब आप सोच लीजिए, इतनी सी उम्र में वो खुद भी पढ़ाई करता है और लोग उन बच्चों को पढ़ा कर जितने पैसे आते हैं वो खुद के पढ़ाई में लगाता है। किसी भी प्रश्न का बेझिझक जवाब देने वाला सोनू के वीडियो को देखने के बाद कई लोग उसकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं, क्योंकि उसमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस है बोलने का कि हर एक लोगों को कॉन्फिडेंसली वो बात कर रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि बचपन से ही सोनू जो है काफ़ी तेज तर्रार है। इसके पिता दूध और दही बेचने का काम करते हैं, तो माता जो है लीला देवी निरक्षर है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। दरअसल हर नौत के दौर पर जो होते हैं क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से मिल रहे थे हर नौत के दौरे के क्रम में। इसी दौरान सोनू भीड़ से आगे बढ़कर मुख्यमंत्री से कहता है कि सुनिए ना सर, हमें पढ़ाई में मदद कर दीजिए। मुख्यमंत्री ने तत्काल उप विकास आयुक्त को उसकी आगे की पढ़ाई का जिम्मा सौंप दिया है। वैसे सोनू हम उम्र के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है। ट्यूशन से पैसे मिले उससे वह एंड्रॉयड फ़ोन खरीद लिया, जिससे वह यूट्यूब पर जानकारी हासिल करता है और काफ़ी कुछ देखता है। बेबाकी से सोनू कहता है कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों में योग्यता की कमी है। जैसा कि उसने अपने पिताजी के बारे में भी बताया कि उसके पिताजी जो है वो शराब पीते हैं और जो कुछ भी पैसा घर में आता है वो उस पैसे का वो शराब पीकर सब खर्च कर देते हैं, जिससे जो है उसकी शिक्षा जो है हो नहीं पा रही है। और उसने यही जो है अपील की है नीतीश जी से कि हमारे पढ़ाई का जो है वो खर्चा आप लोग उठाएं। और काफ़ी मतलब इमोशनल होके वो कह रहा है। सोनू बताता है कि उसे सीखने के लिए 30 बच्चे आते हैं। सोनू की दिलचस्पी जो है वो सभी विषयों में है और YouTube के जरिए आगे की पढ़ाई पूरी कर चुका है। उसे सीखने के लिए 30 बच्चे आते हैं घर पे। इससे उन बच्चों की पढ़ाई हो जा रही है और उसके जो है आर्थिक मदद मिल जाती है। और सोनू बताता है कि कई बच्चे जो है पैसे भी नहीं दे पाते। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने के सपने संजोए सोनू मदद के लिए मिल रहे ऑफर से तो खुश है, लेकिन कहता है कि उसे ऐसी मदद नहीं चाहिए, उसे मदद अधिकारी बनने तक ही चाहिए। उसकी माँ भी अपने बच्चों को अधिकारी के रूप में ही देखना चाहती है। सोनू कहता है कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूँगा, मतलब मैं जो है किसी के भी अंडर में काम नहीं करूँगा, मैं खुद का काम करना चाहता हूँ। मंगलवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से भी मदद का प्रस्ताव मिल चुका है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नालंदा जिले के हरनौत में सोनू कुमार से मुलाकात की और सोनू जो है स्कूली शिक्षा पूरी होने तक उसकी मदद करने का वादा किया। बच्चे के साथ अपनी मुलाकात का विवरण साझा करते हुए सुशील ने ट्विटर पर कहा कि पढ़ने की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का समक्ष बेबाकी से अपनी बात रखने वाला होनहार सोनू से उनके घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सोनू का नवोदय विद्यालय में नामांकन होगा और मैट्रिक तक की जो भी प्रतिमा 2,000 रुपये उसके खाते में प्रदान करूंगा और अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा, कोई भी तकलीफ हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। इस बीच राजद अध्यक्ष जो है लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी सोनू से फ़ोन में बात की और उनकी बातचीत का एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो में तेज प्रताप की सोनू की प्रशंसा करते हुए उसे पटना के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने का वादा करते हुए सुना जाता है। तेज प्रताप ने सोनू से यह पूछा कि क्या वह डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है।
सोनू ने कहा कि वह एक आईएएस अधिकारी बनना चाहता है। सोनू पिछले शनिवार को तभी सुर्खियों में आता जब नीतीश नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के अंतर्गत आने वाले अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा में थे। बगल के गांव में रहने वाले सोनू ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री को कहा कि मुझे पढ़ने में मदद कीजिए सर, मेरे पिता मुझे पढ़ाना नहीं चाहते हैं और जो भी पैसे घर में आते हैं उसका वो शराब पी जाते हैं। बच्चे के आग्रह करने पर मुख्यमंत्री अपने साथ आए अधिकारियों को बच्चे की शिकायत को सुनने का निर्देश दिए। सोनू ने खुद कहा कि वो करीब 3,000 रुपये कमा लेता है। सोनू ने सीएम से मिलकर बिहार की शिक्षा और शराबबंदी दोनों का जो है फेल बताया। दोनों को कहता है कि वो बिल्कुल भी ठीक हो जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से पढ़ाई होती है शिक्षक जो है बस अपना जो है अटेंडेंस एक लगा कर चले जाते हैं और बच्चे चुपचाप बैठे रह जाते हैं। शिक्षक ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो ना तो अंग्रेजी ठीक से पढ़ना जानते हैं ना ही हिंदी में वो अच्छी तरीके से पढ़ा पाते हैं। तो सोनू यही गुजारिश कर रहा है कि सरकारी स्कूलों में जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए, सरकारी स्कूली व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए और शराब को पूरे देश में जो है बंद कर दिया जाए, क्योंकि शराब से होने वाली गंदगी को हम सब जानते हैं, जिसे सोनू काफ़ी अच्छी तरीके से बयां कर पा रहा है। सोशल मीडिया पर कौन कब वायरल हो जाए कोई नहीं जानता। बिहार का सोनू इंटरनेट पर अपनी कब्जा जमाए हुए। सोनू के दो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, एक वीडियो सीएम नीतीश कुमार के साथ और दूसरा तेज प्रताप के साथ। सोनू बिहार के नालंदा जिले के नीमा कॉल का रहने वाला। सोनू हाल ही में नीतीश कुमार से मिलने के बाद पढ़ाई में मदद की आग्रह किया है और शराबबंदी को उसने बताया है कि शराब बंद हो जाना चाहिए हर तरीके से। 30 छात्रों को पढ़ाता है ट्यूशन और सोनू को पढ़ाई इतना अच्छा लगता है कि वो गाँव में अपने से छोटे छात्रों को लेकर हम उम्र के छात्रों को पढ़ाता है। उसकी माँ से भी बात किया गया तो उसकी माँ निरक्षर है, ज़्यादा निरक्षर है, पढ़ी लिखी ही नहीं है, लेकिन लोग उसकी माँ को भी काफ़ी ज़्यादा हौसला बढ़ा रहे हैं कि आप जैसी माँ ने इस बच्चे को जन्म दिया, काश इस तरीके के बच्चे बिहार में अगर हो जाएं तो हमारी जो है सरकारी व्यवस्था पूरी तरीके से सुधर जाए। सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, सब लोग सोनू की तारीफ़ कर रहे हैं। तेज प्रताप की बोलती बंद कर दी। तेज प्रताप यादव ने सोनू को वीडियो कॉल किया। इस बीच तेज से सोनू पूछता है कि सर आप हमारे गांव कब आ रहे हैं। इस पर तेज प्रताप कहते हैं कि जब तुम बुलाओगे तब आ जाऊंगा। तुम बोल्ड लड़के हो, तुम जो है हम तुम्हारे फ़ैन हो गए हैं, तुम मेरे बिहार के स्टार हो। इसके बाद तेज प्रताप सोनू को बोलते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो आईएएस बनना और मेरे अंडर में काम करना, ठीक है। इस पर सोनू तपाक से कहता है कि मैं किसी के अंडर में नहीं करूँगा। सोनू की बात सुनकर तेज प्रताप ड्राइवर की तरफ देखने लगते हैं, फिर उन्हें फ़ोन काट देते हैं। मतलब उसका कहना है कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा, जो करूंगा खुद का करूंगा। तो देखिए कितनी अच्छे तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये लड़का जो है बात कर रहा है, हर मीडिया वालों से जितने भी अधिकारी हैं सबसे बात कर रहा है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर बात कर रहा है। तो ऐसे ही बच्चे जो होते हैं वो आगे चलकर काफ़ी नाम रोशन करते हैं, जो कि आजकल के बच्चों में नहीं देखने को मिलता। तो उम्मीद करूंगी कि इस लड़के के बारे में मैंने आपको सही जानकारी दी है और जितने भी अधिकारी हैं उनके माता पिता से भी काफ़ी गुहार लगाई है, उनके पिता से गुहार लगाई है कि आप शराब बंद कर दें और बच्चों की जो है पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। और इस बीच सोनू सूद ने उसकी जो शिक्षा है वो कंप्लीट कर दी है। बिहार के नालंदा के रहने वाले सोनू की मदद के लिए बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सोनू सूद आगे आ गए। उन्होंने सोनू का एडमिशन आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बिहटा में कराया है, जो पटना से कुछ ही दूरी पर स्थित है। अभिनेता सोनू सूद ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लिखा, सोनू ने सोनू की सुन ली, स्कूल का बस्ता बांधिए, आपकी पूरी शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ सोनू सूद ने स्कूल के नाम का भी जिक्र किया। सोनू अब पटना के बिहटा स्थित आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करेगा। स्कूल में हॉस्टल की भी व्यवस्था है, जहां सोनू जो है आराम से रहकर पढ़ाई कर सकेगा। तो ये बातें हुई है सोनू के साथ। अब तक जितनी भी बातें हुई है वो सब मैंने आप सबको बता दी है और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि गौहर खान भी सोनू की मदद के लिए आगे आई है। गौहर खान भी सोनू को जितनी भी पढ़ाई में उसके खर्चे आएंगे वो गौहर खान भी उठाने को तैयार है। तो इस तरीके से सोनू जो है इस हफ्ते वायरल हो गया है
अपनी बोल से, अपनी एजुकेशन से, मतलब जिस बच्चे को एजुकेशन की व्यवस्था सही से नहीं मिल पा रही है वो बच्चा इतना तेज है, तो उस बच्चे को अगर अच्छी तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था दी जाएगी तो वो बच्चा कितना आगे जाएगा। बस यही जो है वो हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि मुझे पढ़ा लीजिए सर, हाथ जोड़कर सबसे विनती कर रहा है। तो बिहार का रहने वाला बच्चा काफ़ी कॉन्फिडेंस उसके अंदर है। तो उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो उसे लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।